फोर केसेस हैं, एक डिजेनरेसी, दूसरे केस को हम कहते हैं अल्टरनेटिव ऑप्टिमम, और तीसरा केस है अनबाउंडेड सॉल्यूशंस, और फोर्थ है इनफिजिबल सॉल्यूशंस, नॉन एग्जिस्टिंग और इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो अभी तक जो हम सिंप्लेक्स मेथड करते आए थे तो वो बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व हो रहे थे, उसमें कोई इश्यूज नहीं आते थे। तो इसके फोर केसेस हैं जो आप सिंप्लेक्स मेथड में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कम से कम आपको उनका पता हो। वो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हुए वो डायग्नोज होते हैं, और अगर आपको इनका नहीं पता तो आपको यही समझ लें कि आपको बहुत कुछ अभी और सीखना है। वन बाई वन फोर केसेस में आज मैं कोशिश करूंगा दो केसेस हो जाए, डीजेनरेसी और अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। तो कोशिश करता होता हूँ दो का भी, दो की भी, लेकिन शायद एक ही हो सके। देखती हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, तो अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर सेकंड पे भी चले जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। तो ये आपके पास आज हम डिस्कस करेंगे डीजेनरेसी। तो सिंपल अगर आप मॉडल को देखें, अभी आपने उसमें नहीं कंफ्यूज होना है, मैं ना एम टेक्निक करवा रहा हूँ ना, बस एक सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम ले रहे हैं। सिंप्लेक्स मेथड अब आपको पता है, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपकी कंस्ट्रेंट्स जो भी टाइप की हो, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिस भी टाइप का हो, आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये अज्यूम किया जा रहा है। ये आपके सामने मॉडल है, और इस मॉडल में दोनों कंस्ट्रेंट्स किस टाइप की है कोई बताएगा? दोनों कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स हैं आप, दोनों कंस्ट्रेंट्स किस टाइप? लेस देन की। लेस देन इक्वल टू। इट मींस ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, यानी एम टेक्निक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो हमने ये नहीं देखना, हम सिंप्लेक्स मेथड नहीं सीखना चाह रहे, हम सिंप्लेक्स मेथड सीख चुके हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें ये स्पेशल केसेस अगर आ जाते हैं तो उसको डायग्नोज कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या इन फोर स्पेशल केसेस में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी आप इन फोर ऑप्शन, एक तो रेगुलर है कि आप सॉल्व कर लिया, इन फोर केसेस में कोई भी केसेस उसमें एग्जिस्ट नहीं करता होगा, अगर कोई एग्जिस्ट करता होगा तो आपको उसको प्रॉपर वे में एड्रेस करना है। तो ये आज का इशू है। अब देखिए, आप इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ सिंप्लेक्स मेथड से, बहुत सिंपल है, छोटा सा प्रॉब्लम लिया, थोड़ी देर में समझ आ जानी चाहिए। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, कोई इश्यू तो नहीं, ये जी माइनस 3x1 माइनस 9x2, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये जो आपकी लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, आपने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया और इक्वल बन गया, ये भी लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, इसके लिए भी आपने एक वेरिएबल s2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया और ये इक्वल हो गया। अब आपके पास ये मॉडल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक बताइए नो सर। जी। अब हम इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए जैसे आपको पता है कि आप एज्यूम करेंगे x1 x2 को 0, और आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, s1 इक्वल टू 8, ये आपका s1, और वैल्यू हम इधर लिखते होते थे 8। मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि अब तो ये चीजें तो आपको आ गई। दूसरा s2 इक्वल टू 4 आएगा, ये s2 इक्वल टू 4, ये आपका इधर प्लेस हो गया। और फिर आप z को, ये कोएफिशिएंट्स को इधर प्लेस करते हैं, -3, ये -3, -9, ये आपका -9, और बाकी मिसिंग है 0 0, और सॉल्यूशन z इक्वल टू 0, ये 0। और जहां तक कंस्ट्रेंट्स है, ये आ जाएगा 1 4 1, 1 4 1, ये 0 आ गया, 1 2 0 1, 1 2 0 1 प्लेस कर दिया, कोई इश्यू है बताइएगा? नो नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है ऑप्टिमेलिटी का। जब आपका प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन में सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन ये दो कोएफिशिएंट्स नेगेटिव है,
और देखना कहाँ से होता है, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके कोएफिशिएंट तो जीरोज होंगे, लेकिन नॉन बेसिक के अंदर हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना होता है, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अब आपने करना क्या है, मोस्ट नेगेटिव एंट्रिंग होगा, हाँ प्रॉपर्टी जरूर चेक करनी चाहिए शुरू में। चलिए देख लेते हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं एस वन एस टू, इनके अंडर आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट, और इनके कोएफिशिएंट जी में जीरोस, इट मींस ये प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है। सेकेंडली हमने देखना होता है जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके नीचे जो कोएफिशिएंट्स हैं वहां पे हमने ऑप्टिमेलिटी का टेस्ट लगाना है, और यहाँ पे हमें मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव। तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि आपके नेगेटिव कोएफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए, अगर है तो मोस्ट नेगेटिव एंट्रिंग, तो इट मींस ये वाला आपका एंट्रिंग रेड के साथ मैंने शो कर दिया। जब ये एंट्रिंग आ गया, अब आप लिख दोगे इधर एक्स टू एंटर्स, और लिविंग वेरिएबल का डिसाइड करोगे, और लिविंग वेरिएबल आप निकालते हो रेशियो, रेशियो किसकी निकालेंगे, वो निकालेंगे एट सोल्यूशन को इस कॉलम से डिवाइड करने, एट डिवाइडेड बाई फोर ये आ जाएगा टू, फोर डिवाइड बाई टू ये भी आ जाएगा टू। तो मुझे बताएं क्या नई चीज आप देखने को मिल रही है आपको? सर सेम आ रहे हैं ये, सेम आ रहे हैं, यानी आपकी रेशियो में टाई बढ़ गई है। तो अगर आपकी रेशियो में टाई बढ़े किसको लीव करेंगे, लीव तो करना है सर, किसी को भी कर सकते हैं क्योंकि सेम है ये, किसी को भी कर सकते हैं जी सर, तो दोनों में मिनिमम को करना है, वैसे दोनों ही है मिनिमम। एक मिनट आपको थोड़ा सा इधर आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, ये थोड़ा सा इधर इश्यू आया है तो स्क्रीन थोड़ी सी गायब हो गई, मैं चले मोबाइल से आता हूँ, अब एक मिनट वेट कीजिएगा ठीक है, वो शायद रीस्टार्ट हो गया सिस्टम। जी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। नाउ सर नहीं नजर आ रहा सर,
अब स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। जी बताइएगा, वापस आ गए स्क्रीन पे? जी सर। यस सर। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये दोबारा भी चले, नेक्स्ट टाइम मैं मोबाइल से किया करूंगा। तो ये जब टाई आ जाती है तो आप समझ लें कि आपका ये स्पेशल केस एग्जिस्ट करता है और वो है डीजेनरेसी। तो सिर्फ इतना बता दें, आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई कि आपको पता कैसे देखना है कि आपकी डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो टाई फर्स्ट हाइड्रेशन में भी आए, किसी भी हाइड्रेशन में आ सकती है। फर्स्ट करें ये प्रॉब्लम 5 iterations में सॉल्व हो रहा है और थर्ड iteration में जाके आपको रेशो टेस्ट जब आप लगाना हो तो उसमें आपको टाई फेस करना पड़ जाए। तो अगर आप, और ये देखें, फर्ज करें 3-4 रेशोज हैं लेकिन उसमें जो मिनिमम है उसमें टाई आ रही है। मसलन मैं कह सकता हूँ एक रेशो 2 है, दूसरी भी 2 है, एक 3 है, एक 4 है। तो हमें देखना है कि इनमें से जो मिनिमम है वो 2 होगी और वो 2 रोज ऐसी होगी जिनमें से दोनों में से कोई भी लीव कर सकती है। इस केस में हम कहेंगे कि आपकी रेशो में टाई पड़ गई है। तो रेशो टाई को हम ब्रेक करने के लिए किसी भी, इसको भी हम लीविंग ले सकते हैं, मीन S1 को भी लीव कर सकते हैं और S2 को भी लीव कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है क्योंकि जहां भी टाई आए, और ये टाई इधर भी आ सकती है जब एंटरिंग वेरिएबल कर रहे होते हैं, तो उसमें भी यही सिचुएशन है कि अगर आपको टाई फेस करना पड़े और दोनों कैंडिडेट्स हो इक्वल एंटरिंग के लिए तो आप किसी को भी एंटर कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ बताइएगा? जी सर। ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो मैं असल में ग्राफिकल मेथड से आपको डीजेनरेसी बताना चाह रहा हूँ कि डीजेनरेसी है क्या। इधर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मुझे पता चले कि ये डीजेनरेसी क्या है, सिवाय इसके कि मुझे यही पता चला जब मैं लिविंग का डिसीजन लेना पड़ा तो मिनिमम रेशियो 2 सेम आ गई 2 रोज की और इसके लिए मुझे डिसाइड करना मुश्किल हो गया। मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम रेशियो में टाई पड़ गई है। तो सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन हुई है कि डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। डीजेनरेसी है क्या, उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड को ही यूज करेंगे। आपको याद होगा मैंने स्टार्ट तो भी आपको कहा था कि ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सिर्फ 2 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए होता है लेकिन बहुत सी चीजों के ये आंसर्स हमें देता है, हर चीज को विजुलाइज करके दिखाते हैं। तो सेम यही मॉडल को मैंने, ये पिक्चर ली हुई है जिसको हमने ग्राफिकल मेथड से दिखाया गया है। तो अभी आप देखें इसको, अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे प्लॉट होना है, आपको पता है ये हम कर चुके हुए हैं। इस x1 + 4x2 = 8 को जब मैंने इधर प्लॉट किया, इक्वल करके लाइन प्लॉट की, फिर लेस देन करके शेडेड रीजन, तो वो ये लाइन, ये वाली, राइट? और ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तो शेडेड एरिया इसका बनेगा ये। फिर हमने इस लाइन को प्लॉट किया, इक्वल टू 4 किया, फिर लेस देन इक्वल टू 4, वो जो शेडेड एरिया बना ये लाइन थी ये वाली, और बिलो द लाइन आपका शेडेड एरिया बनता है तो ये। तो बताएंगे इसमें कॉमन एरिया कौन सा हुआ? सेकंड का। अगर आप देखें इसमें ये स्पेशल केस है कि अगर आप इस लाइन को इधर से निकाल ले तो फिर भी सॉल्यूशन स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी जो मैंने अभी बात की। देखें ये लाइन जो टच कर रही है ये इस एक्सेस पे टच कर रही है, अगर ये यही कहीं दरमियान से गुजरती तो उस इसको हटाने में प्रॉब्लम था, क्यों? फिर सॉल्यूशन एरिया चेंज हो जाना था। अब यहाँ पे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो कंस्ट्रेंट है, ये वाली कंस्ट्रेंट है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये हो या ना हो आपका सॉल्यूशन स्पेस यही बनेगी। सेटिस्फाई है इस स्टेटमेंट से? यस सर। जी और स्टूडेंट भी बताएं जो मैंने अभी बात कही, ये समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर।
यस सर अगर आपके मॉडल के अंदर एक देखें जब आप मॉडल फॉर्मुलेट कर रहे थे उसको पता नहीं चलता तो आपकी ये कंस्ट्रेंट और ये कंस्ट्रेंट असल में ये कंस्ट्रेंट ही एक ऐसी कंस्ट्रेंट है जो पूरे मॉडल को डिस्क्राइब कर सकती है ये आपने उसी का ये सबसेट है या पर सुपरसेट कोई बन गया हुआ इस तरह से कि ये सारी की सारी इसी के अंदर कंज्यूम हो रही है बहर इन शॉर्ट में ये कहूंगा मॉडल बनाते हुए अगर एक कंस्ट्रेंट आप रिडेंडेंट होता है फालतू यानी उसका कोई फायदा नहीं होता वो सिस्टम में हो या ना हो अगर हो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना भी हो तो कोई फर्क वो सिस्टम को चेंज नहीं कर रही तो वो तो एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट बन गई है ना गलती से तो जब आप मॉडल बना रहे होते हो तो इस पॉसिबल है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स आपको पता ना चल रहा हो आप कंडीशंस इम्पोज कर रहे हो और वो किसी वो रिडंडेंट बन रही हो सिस्टम के लिए तो उसकी जरूरत नहीं है जितनी कम कंस्ट्रेंट्स होंगी उतना ही आपका एफिशिएंट मॉडल होगा इस केस में ये जो रिडंडेंसी है ग्राफिकल मेथड से तो बड़ी आसानी से नजर आ जाती है जैसे ये देखेंगे नजर आ रहा है लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने मोर देन अगर टू वेरिएबल्स हैं और फिर रिडंडेंसी है उसका तो ग्राफ नहीं बन सकेगा जब उसका ग्राफ बन सकेगा तो इट मींस फिर हमें अलजेब्राइक वे यही होता है जो हम इस तरह से टेबल मेथड सिंप्लेक्स मेथड इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी यहां तो नजर नहीं आ रहा कि कौन सी कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है तो उसके लिए आपको सिखाया जा रहा है कि ये अलजेब्राइक वे में इसकी आइडेंटिफिकेशन इस मिनिमम रेशियो से होगी ये जब सेम आ जाएगी टाई आ जाएगी जी बताइएगा ये पॉइंट समझ आया जी सर यस सर हम करना ये चाह रहे थे कि टू वेरिएबल प्रॉब्लम का तो इश्यू नहीं है रिडंडेंसी आराम से डायग्नोज हो जाती है लेकिन हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम तो मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं तो हमने तो आगे इससे काम चलाना लेकिन इसके अंदर अगर रिडंडेंसी आई ग्राफ से तो पता चल जाता है तो इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये रेशियो टेस्ट बताएगा तो अब आप देखने आपके वेरिएबल्स 100 वेरिएबल्स ही क्यों ना हो जैसी आप लिविंग का डिसीजन लेंगे और अगर मिनिमम रेशियो में टाई चाहिए तो क्योंकि मिनिमम रेशियो लेना है और अगर वो मोर देन वन रोज की जो रेशियो होगी वो मिनिमम होगी तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे डिजेंडेसी एग्जिस्ट इस स्पेशल केस को भी माइंड में रखिएगा मैं वाइवा में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता होता हूँ कि जरा मुझे बताएं कि डिजेंडेसी है क्या और डिजेंडेसी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अगर पूछूं डिजेंडेसी है क्या तो आप कह सकते हैं कि अगर आप मॉडल फॉर्मुलेट करते हुए कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स अगर आपकी बन गई हैं जो रिडंडेंट है उनकी जरूरत नहीं है वो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये एक स्पेशल केस है डिजेंडेसी का तो आप समझ लें कि आपके प्रॉब्लम में डिजेंडेसी एग्जिस्ट कर रही है अब आगे जहां तक एक दो तीन और बातें हैं उसकी बात कर लेते हैं ये पता चल चुका है आपको डिजेंडेसी कैसे आइडेंटिफाई करनी है और अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैंने आपको कहा किसी को भी लिविंग ले सकते हैं आपने इसको लिविंग ले लिया एस वन उसी तरह सॉल्व करना है कोई रॉकेट साइंस नहीं है एस वन लीव करेगा और एक्स टू एंटर होगा ये देखें एस वन की जगह पे एक्स टू आ गया और दोबारा से उसी तरह आपने ये कॉलम बनाना था ये कैलकुलेशन थी 1 0 और आपने ऑपरेशंस लगाए होंगे मैं उन ऑपरेशंस की तरफ नहीं जा रहा उस डिटेल में आपने मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ ये सारी कैलकुलेशंस आपने कर लो कोई इश्यू तो नहीं है अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि कैलकुलेशन हो चुकी है कर सकते हैं आप yes, अब अगर ये सारी आइट्रेशन नेक्स्ट सॉल्व हो चुकी है तो एक और चीज आपको कॉमन मिलेगी वो ये जो जिनके दो के दरमियान रेशियो टेस्ट टाई हुआ था अगली आइट्रेशन में ये तो आपने लीव कर दिया था इसकी जगह पे तो ये एंट्रिंग आ गया तो ये आपका आंसर आएगा जो दूसरा आपने छोड़ दिया जिसको लीविंग नहीं लिया उसकी वैल्यू 0 आएगी सॉल्यूशन कॉलम ये भी एक कंफर्म स्टेटमेंट है मैं फिर से बता देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपने दोनों में सेम थी मिनिमम रेशियो आप इसका भी डिसाइड कर सकते थे और इसका भी डिसाइड कर सकते थे लेकिन आपने डिसाइड किया S1 को लीव करने का जब S1 को लीव करने का दिया तो ये जो फर्स्ट रो है ये X2 इधर आ जाएगा
ये तो कोई कैलकुलेशन आएगी इस साइड में. मैं जरा रेशो को ना इनको जरा कलर स्कीम चेंज कर दूं ताकि जो बात बताना चाह रहा हूं वो पता चल जाए. इसको मैं थोड़ा सा डीएक्टिवेट टाइप कलर स्कीम रख देता हूं, नहीं तो वो समझ नहीं आ रही थी सोल्यूशन कौन सा है और वैल्यू कौन सी. थोड़ा सा गला खराब है. अच्छा अब देखिएगा ये सेम आई थी, आपने डिसाइड ये कर सकते थे, ये आपने डिसाइड किया इसका. इट मींस अगली दफा जो कैलकुलेशन आएगी जिसका आपने डिसाइड नहीं किया वो जो सॉल्यूशन वैल्यू है वो जीरो आएगी, ये कहना चाह रहा हूं. तो अभी आप देखें अगर आप इसको लीव करें, अगर मैं ये डिसीजन लेता इसको लीव करने का, तो ये जो पहली रो है ये वैल्यू जीरो आनी थी. तो जिसको आप लेंगे वो तो कैलकुलेशन में आ जाएगी, जिसको आप छोड़ेंगे उस ट्राई वाले ट्राई में जिसको आप छोड़ेंगे उसकी सॉल्यूशन वैल्यू जीरो आएगी डेफिनेटली. इस बात की समझ आई? जी सर. अच्छा अगर इसकी समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन आना चाहिए था आपको कि बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स में क्या फर्क है, बताइएगा प्लीज. बेसिक वेरिएबल्स नॉन बेसिक जीरो होते हैं. जी और सर, और बेसिक जीरो नहीं होते. हम ये सॉल्व करने के लिए एक्स वन और एक्स टू को जीरो बनाते हैं नॉन बेसिक. ठीक है अभी देखें यहाँ पे इस स्पेशल केस में सिचुएशन डिफरेंट है. ये वेरिएबल्स कौन से हैं, ये बात, ये बेसिक है नॉन बेसिक है, ये बताइए. ये बेसिक है. बेसिक है बेसिक है क्योंकि बेसिक सेक्शन आइटरेशन में तो होती बेसिक है और जो मिसिंग होते हैं वो नॉन बेसिक होते हैं. तो आपने देखा ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इस बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या है सॉल्यूशन वैल्यू? जीरो. जीरो. और अभी हमने कहा है जिसकी वैल्यू जीरो होती है वो नॉन बेसिक होती है, यही कहा था ना? यस सर. अब आप देखें आपका बेसिक वेरिएबल भी जीरो हो चुका है. अब आप ये नहीं कह सकते कि इस जीरो की वजह से ये नॉन बेसिक है क्योंकि इस सेक्शन में है ये है बेसिक. ये स्पेशल केस ट्रीट करेंगे हम इसको, यानी हम कहेंगे अगर कोई बेसिक वेरिएबल्स कैलकुलेशन में जीरो आ जाता है, बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन कॉलम में उसकी वैल्यू नजर आ रही है, नॉन बेसिक की सॉल्यूशन वो तो इधर होता ही नहीं, वो मिसिंग की वजह से हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो है. जो मौजूद है और उसकी वैल्यू जीरो है तो ये स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट है और ये सिर्फ डीजेनरेसी में ही ऐसा होता है. तो अगर आपके प्रॉब्लम में कोई कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है तो इट मींस आप माइंड में रख लें कि आपकी एक फालतू थी इंस्ट्रक्शन, जैसे ही रेशो टेस्ट सेम आया यानी उसकी वैल्यू सेम आई तो समझ लें कि डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है. और ये भी समझ लें कि अगली आइटरेशन में जिस मिनिमम रेशियो को जो इक्वल कैंडिडेट थी आपने लिविंग के लिए छोड़ा है वो बेसिक वेरिएबल ने जीरो हो जाना और उसको आपने उस जीरो की वजह से नॉन बेसिक नहीं कहना, ये कहना है बेसिक वेरिएबल विद जीरो वैल्यू. ये स्पेशल केस है तो स्पेशल इसको एंटरटेन किया जाएगा. यानी आपने यही समझना है, मैं अब अगर आपसे पूछूं इस वक्त टोटल वेरिएबल्स है ना एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू, तो आपके पास इस एक्स वन की वैल्यू क्या है इस साइड पे बताइएगा प्लीज. एक्स वन क्या है सर? जीरो है, ये स्पेशल केस है. जीरो नहीं, एक्स वन पूछ रहा हूँ. एक्स वन सर कह रहा हूँ मैं, वो नॉन बेसिक है ना, नॉन बेसिक वेरिएबल, तो मिसिंग वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो. जीरो. तो आपका जो एक्स वन है वो जीरो है, लेकिन एक्स वन जहन में रखें मिसिंग है और नॉन बेसिक कहेंगे उसको. एक्स टू की वैल्यू क्या है? x की 2. ये तो कोई इशू नहीं, बेसिक वेरिएबल था आपको वैल्यू मिल गई. s1 क्या है? जीरो. जीरो और नॉन बेसिक. साथ आपने ये भी देखना है दोनों चीजें मुझे चाहिए, आपने उसकी क्लास नेम भी बतानी है और उसकी वैल्यू भी बतानी. s1 मिसिंग है, नॉन बेसिक, वैल्यू क्या है? जीरो. s2 क्लास नेम बेसिक की क्लास में है, जीरो है इसकी सर. बेसिक और वैल्यू जीरो. तो ये ध्यान में रखना है कि
नॉन बेसिक जो मिसिंग होते हैं उनकी वैल्यू तो होती ही जीरो है, हम कहेंगे ये नॉन बेसिक है इसलिए इनकी वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल बेसिक हो, देखिए बेसिक कॉलम में अगर वेरिएबल बेसिक हो और उसकी वैल्यू जीरो, ये एक स्पेशल केस है, हम कहेंगे बेसिक वेरिएबल विद जीरो, और ये सिर्फ डीजेनरेसी स्पेशल केस में ऐसे होता है। आप देखेंगे अगर आपके प्रॉब्लम में, अगर आपके मॉडल में डीजेनरेसी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी सर। तो आज के लेक्चर में अगर हम ये देखें कि हम स्पेशल केस आया क्योंकि मॉडल के अंदर एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट थी, सॉल्व किया, फर्स्ट आइटरेशन सेकंड या थर्ड में जाके कहीं मिनिमम रेशियो में टाई आ गई, तो टाई से पता चला डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है और हम अब लिविंग तो लेना है, सॉल्व तो करना है। तो जब हम लिविंग वेरिएबल एक को लेंगे, दूसरे को लिविंग नहीं लेंगे, जो दूसरा वेरिएबल है वो अगली आइटरेशन में वो बेसिक वेरिएबल जो वो होगा उसकी उसकी सोल्यूशन वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये चीज अभी तक हमने अंडरस्टैंड की है, फॉलो किया पॉइंट को? अब नेक्स्ट आते हैं हमने उसी तरह इसको सॉल्व करने, आइट्रेशन तो हमारे पास आ गई लेकिन ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाया अभी भी नेगेटिव है, तो इट मींस नॉन ऑप्टिमल, और एंट्रिंग वेरिएबल आपका ये बन जाएगा, ये एंट्रिंग कॉलम। उसी तरह फिर आप रेशियो में जाएंगे तो इस सॉल्यूशन वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, जीरो को इससे डिवाइड करेंगे ये जीरो आ जाएगा, और दोनों में मिनिमम कौन सी जीरो, तो ये जीरो लिविंग वेरिएबल, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, सेम तो नहीं आ रही, मिनिमम रेशियो जीरो है तो ये लीव कर जाएगा। तो एक्स वन एंटर हो रहा है और ये लीव कर गया, तो एस टू की जगह पे एस वन आ जाने, ये देखें एक्स वन आ गया, और जब एंट्रिंग हुआ तो आपने इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेनी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ वन लेके आने आप, पहले पिवोटल रो और फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करना कोई इश्यू तो नहीं रहेगा, बताइएगा? नो सर। अच्छा, अब जब ये सॉल्व हो गया तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, देखें कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो इस वक्त बेसिक वेरिएबल्स ये हैं और नॉन बेसिक एस वन एस टू है, और एस वन एस टू के नीचे क्या है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स, ऑप्टिमल आ चुका है, अब स्टॉप कर दें, प्रॉब्लम क्लियर हो गया, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सिर्फ हमें ये पता चला कि इसमें एक रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है, और अगर ये चीज समझ आ गई है तो मैं फिर इसको वाइंड अप करूं कि जी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। आपने सिंपली इसको सॉल्व करते रहना है, अगर मिनिमम रेशियो सेम आती है तो आपने बस अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना है। सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको कहा कि एक बेसिक वेरिएबल अगली आइटरेशन में जीरो आ जाएगा, अदरवाइज आप सॉल्व करते जाएं, देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ जाए तो आप स्टॉप कर दें। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, गला अच्छी तरह खराब है तो अच्छा बात कर रहा हूं कि एक चीज आप देखोगे, अगर यहां पे चले मैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे बात कर लेता, सबसे पहले तो ये आएगा इस केस में ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या शो कर रहा था कि वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इज रिडंडेंट, एक तो ये पता चला, दूसरा कोई एफिशिएंट कंप्यूटेशनल टेक्निक नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल के अंदर, यानी कोई ऐसी टेक्निक सिवाय इसके कि हमें मिनिमम रेशियो के टाई से पता चले, तो इसका मतलब है हमारे पास एक ही मेथड है या मिनिमम रेशियो से डायग्नोज करें, अदरवाइज कोई टेक्निक कंप्यूटेशनल अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आपके जो मॉडल है उसमें इररेगुलरिटीज है, इस वर्ड को जरा नोट करें, आपकी कंस्ट्रेंट्स में ना इररेगुलरिटी को शो कर रहा है। अगर कहीं आपको नजर आए कि रेशियो टेस्ट, ये मैं बात पहले बता चुका हूँ, इररेगुलरिटी क्या है इन द फॉर्म ऑफ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं सारे।
आगे थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस पे आते हैं। आपने एक और चीज नोट की होगी, जैसे ही आपकी ये आइडेंटिफाई होती थी, ये आइडेंटिफाई हो गई और आपने नेक्स्ट सॉल्व कर लिया ये, तो आपका सोल्यूशन आ चुका है। आप नोट करें आपका ऑब्जेक्टिव वैल्यू है 18, अभी ऑप्टिमेलिटी अचीव नहीं हुई। आपने ऑप्टिमेलिटी करने के बाद ये ऑप्टिमल आया है, तो जरा नोट करें ऑब्जेक्टिव वैल्यू इसमें भी 18 थी और इसमें भी 18। जी, ये पॉइंट नोट किया आपने कि जैसे ही आपकी डीजेनरेसी आइडेंटिफाई हो गई है, आपका उस वक्त तो आपने लीव कर एंट्रिंग और लीविंग करके एक आइटेशन आगे ले गए जिसमें आपको पता चला कि एक बेसिक वेरिएबल जीरो हो गया है। वहां से आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव नहीं हो रहा। आप अपनी वैल्यूज भी देख लें, इसमें x1 मैंने इधर सोल्यूशन लिखा हुआ है, अगर मैं इधर ही स्टॉप कर दूं, हालांकि ये ऑप्टिमल नहीं है, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो क्या हमें स्टॉप कर देना चाहिए ऑप्टिमेलिटी तक लेके जाना है या यही स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन चेंज नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा वो दिखा रहा हूं। आपने आइडेंटिफाई हुई डीजेनरेसी है, यस, एक आइटरेशन जरूर सॉल्व करें आगे, क्यों, आइडेंटिफिकेशन के बाद आगे अभी आपका सोल्यूशन जीरो है तो सॉल्व करने पे 18 आपका जेड आ जाएगा। तो इस वक्त सोल्यूशन क्या है, मिसिंग x1, x1 क्या है जीरो, x2 क्या है टू। मैं इस आइटरेशन में रिजल्ट पूरा लिखने जा रहा हूं, x2 2, s1 मिसिंग s1 जीरो, s2 बेसिक वेरिएबल है लेकिन जीरो के साथ जीरो। ये इस आइटरेशन में आपने सोल्यूशन लिखा जो कि ऑप्टिमल नहीं है, अभी नेगेटिव है। सिर्फ ये हुआ है कि रेशियो टेस्ट फेल हुआ और आपने किसी को भी लिविंग बना लिया, और उसके बाद जो अगली आइटरेशन है उसके सोल्यूशन मैंने इधर लिखा है अभी, हालांकि ये ऑप्टिमल नहीं है। ये सोल्यूशन जब एक दफा और आगे करते हैं, जब ये बेसिक वेरिएबल जीरो आ जाता है, तो अगली आइटरेशन में हम इसको ऑप्टिमल बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम ऑप्टिमल बनाते हैं तो ये आइटरेशन कैलकुलेट होती है। इसका सोल्यूशन भी देखते हैं क्या आता है। इसमें x1 क्या है, जीरो बेसिक है लेकिन वेरिएबल जीरो, इधर x1 जीरो, प्रीवियस में वो नॉन बेसिक था, सिर्फ उसका क्लास ही चेंज हुई है, यहाँ पे वो नॉन बेसिक था इधर बेसिक है। आपने यही देखना है कि इसमें पूरा सोल्यूशन लिखे x1 जीरो, ये वही पहले वाला सोल्यूशन पिछली आइटरेशन का मैंने इधर लिख के रखा हुआ, x2 2, x2 2 ही है, s1 मिसिंग जीरो जीरो ही है, s2 मिसिंग जीरो जीरो ही है, और z 18 18 ही है। आपने नोट किया कि जैसे ही डीजेनरेसी जैसे ही रेशियो टेस्ट फेल होता है, आप एक स्टेप आगे सॉल्व कर लेते हो तो बजाहिर नजर आ रहा है उसको आगे ऑप्टिमल हो या ना हो, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, आपका सोल्यूशन चेंज नहीं होगा जो कि इधर ऑब्जर्वेशन में आ गया है। इस पॉइंट की समझ आई है जो नहीं बताइएगा प्लीज। यस सर। जी, दूसरे स्टूडेंट्स भी बताएं। यस सर। इसको रिपीट करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिपीट कर दें इसे, रिपीट ये कर रहा हूं, मैं एक एज्यूम कर रहा हूं कि एक प्रॉब्लम 10 आइट्रेशंस में सॉल्व होता है। जरा गौर से सुनिएगा, एक प्रॉब्लम 10 आइट्रेशंस में सॉल्व होता है, तो थर्ड आइट्रेशन में मिनिमम रेशियो वाला टेस्ट, यानी रेशियो वाला टेस्ट फेल हो जाता है थर्ड आइट्रेशन में, जबकि प्रॉब्लम ऑप्टिमल मैंने अज्यूम किया 10 आइट्रेशंस में उसने ऑप्टिमल होने हैं। थर्ड में रेशियो टेस्ट फेल होता है, इसका मतलब है फोर्थ तो आप कैलकुलेट करोगे, जहां पे रेशियो सेम आती है
तो उसमें से किसी को भी लीविंग लेके अगली आइटरेशन फोर्थ जरूर सॉल्व करोगे, सॉल्व कर ली। करने के बाद आपने देखा जो आपके पास सोल्यूशन आएगा, तो यहाँ आइडिया ये बता रहा है कि इसने फर्दर इम्प्रूव नहीं होना। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उसको टेंथ आइटरेशन तक सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं, इधर ही छोड़ दें और हम कहें सोल्यूशन तो आ चुका है। जी जी, ये वाला ग्राफ जी। असर यस, क्या देखना चाहते हैं? जीरो टू कैसे ऑप्टिमल बनता है इसका? जीरो टू yes, नहीं वो, ये ऑप्टिमल ये है, ये आपकी जी है। अगर जी को ऐसे लेके आए ऊपर वाला, ये कॉर्नर पॉइंट है ना, यही ऑप्टिमल है। सही है, ये x x1 जीरो है और x2 ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन ये आई है कि जैसे ही रेशो टेस्ट फेल होता है, यानी रेशो टाई हो जाती है और आप किसी एक को भी लिविंग कर लेते हो, तो अगली आइट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट आइट्रेशन कैलकुलेट की उसमें आंसर सेम आ रहा है, सॉल्यूशन सेम आ रहा है। क्या हमें इसको स्टॉप कर देना चाहिए या नहीं? और मैंने अज्यूम किया कर देना चाहिए, तो बजाहिर नजर आता है कि इसको स्टॉप कर दें, ताकि वो फोर्थ हाइड्रेशन में अगर वो हम स्टॉप कर दें और टेंथ हाइड्रेशन तक जाने वाला प्रॉब्लम था, ऑप्टिमलिटी अभी अचीव नहीं हुई, तो ऐसा किया जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है नो। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन आ गई है, ऐसे कई प्रॉब्लम होंगे जिसमें ऐसा होगा कि आपकी आगे सोल्यूशन इंप्रूव नहीं करेगा, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि ये डिजेनरेसी परमानेंट है या टेम्पोरेरीली है। अगर तो ये परमानेंट डिजेनरेट है, यानी वाकई ही वो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट थी, तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल पे स्टॉप कर सकते हैं जैसे ही आपको आइडेंटिफाई होती है वो। लेकिन अगर वो टेम्पोरेरीली डिजेनरेट है, तो वो डिजेनरेसी अगली आइट्रेशन में रिमूव भी हो सकती है और फर्दर आपका फंक्शन इंप्रूव करना शुरू कर सकता है। तो इसलिए तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लोगों का, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया कि डीजेनरेसी अगर टेम्पोरेरीली उसकी एग्जिस्टेंस है तो उसने रिमूव भी हो जाना है आगे जाके। तो इसका मतलब है हमें नहीं पता ये टेम्पोरेरीली डीजेनरेसी है या परमानेंट है, तो इसलिए हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे, ऑप्टिमैलिटी तक लेके जाएंगे। अगर ऑप्टिमैलिटी पे आगे फर्दर नहीं इंप्रूव हो रहा, तो हमें पता चल जाएगा ये टेम्पोरेरीली डीजेनरेट नहीं था, डीजेनरेसी नहीं थी। लेकिन अगर टेम्पोरेरी डीजेनरेसी है, तो वो एक दो आइट्रेशन में आगे जाके रिमूव भी हो सकती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। तो इसलिए उसको सॉल्व करना है। हाँ, चांसेस हैं कि अगर वो टेम्पोरेरी डीजेनरेट नहीं है, तो वो डेफिनेटली आगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, तो आप किसी भी लेवल पे उसको छोड़ सकते थे, क्योंकि कंफर्म नहीं है, तो इसलिए नहीं छोड़ा करेंगे। अब आगे आ जाते हैं, ये मैंने इधर लिख दिया है, बोथ हाइड्रेशंस दो डिफरिंग इन बेसिक नॉन बेसिक यील्ड आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर ऑल। यानी आप देख रहे हैं एक हाइड्रेशंस में ये x1 और x2 का सिर्फ बेसिक और नॉन बेसिक ही बिहेवियर यूज होता है, यानी ये बेसिक है इधर, प्रीवियस में वो नॉन बेसिक था, अदरवाइज सॉल्यूशन सेम है और ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम है। तो अब आगे क्वेश्चन रेज किया है, इज इट पॉसिबल टू स्टॉप द कंप्यूटेशन एट आइट्रेशन 1 व्हेन डीजेनरेसी फर्स्ट अपीयर्स इवन दो इट इज नॉट ऑप्टिमम? तो आंसर इज नो, बिकॉज सॉल्यूशन मे बी टेम्पोरेरीली डीजेनरेट। तो ये मैंने जो अभी बात बताई, ये इन दो लाइनों में मैंने वो कवर कर कि पॉसिबिलिटी थी हम स्टॉप कर दें, लेकिन क्योंकि वो टेम्पोरेरीली डीजेनरेट भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा नेक्स्ट आते हैं कि ये भी हो सकता है, एक और प्रोसेस डीजेनरेसी में आ सकता है, उसको कहते हैं साइक्लिंग और सर्कलिंग। वो ये है, वो जरा देखिएगा, आपने It is possible for us to enter the room. हाँ, इसमें ये possible है कि आपका ये optimal नहीं है,
और आपकी रेशियो टेस्ट फेल हुआ, फेल को मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम रेशियो में टाई आ गई और टाई में आपने किसी को भी लिविंग बना दिया और एक जिसको छोड़ा वो आपका बेसिक विद जीरो वैल्यू आ जाएगा। फिर आप इसको एंटरिंग वेरिएबल लोगे, जो भी नेगेटिव वैल्यू आपकी आएगी क्योंकि ऑप्टिमल नहीं है और इम्प्रूव कर रहा है आपका ये जी, आप फिर लोगे। और ये प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि ये कभी भी ऑप्टिमल ना हो, ये प्रैक्टिकली ये चीज भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि आपका ये फंक्शन जो है, ये मैंने लिखा है, इट इज पॉसिबल फॉर द सिंप्लेक्स मेथड टू एंटर रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ इटरेशंस नेवर इंप्रूविंग ऑब्जेक्टिव वैल्यू। हाँ, वो मैंने सॉरी बात की थी, ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंप्रूव कर देगी, ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंप्रूव नहीं करेगी और ऑप्टिमेलिटी कंडीशन भी आपकी नहीं अचीव होगी। तो अगर आपकी ऑप्टिमेलिटी भी अचीव ना हो रही हो और आप कह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इंप्रूव ना कर रहा हो तो फिर क्या सिचुएशन, ऐसे प्रोसेस को हम साइकिलिंग कहते हैं। ये देखिए 18 आ गया, आपका ऑब्जेक्टिव इंप्रूव नहीं हुआ, सॉल्यूशन बेसिक चेंज हो जाएगा, जाहिर है सॉल्यूशन चेंज भी नहीं होगा, वो सॉल्यूशन सेम ही रहेगा, सिर्फ कभी ये जो बेसिक वेरिएबल जीरो वैल्यू के साथ है उधर नॉन बेसिक था, इधर बेसिक हो जाएगा, तो वो बेसिक नॉन बेसिक बिहेवियर चेंज होता रहेगा। तो आपने नॉन ऑप्टिमल ऑप्टिमल करने के लिए एक आइटेशन आगे गए, 18 आया, इंप्रूव नहीं किया, इधर तो ये ऑप्टिमल आ गया, तो पॉसिबल है इधर फिर नेगेटिव आ जाए। मैं उस सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूँ, अभी फिर नेगेटिव आ जाए, इट मीन्स ये अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। अब फिर आगे सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव वैल्यू फिर नहीं इंप्रूव करेगी, तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑप्टिमेलिटी भी नहीं आ रही और जी भी इंप्रूव नहीं कर रहा। इस केस को हम कहते हैं सर्कलिंग और साइकिलिंग। देखें एक चीज आपने नोट की होगी, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ये शो कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, वो अभी मैक्सिमम नहीं आई, उसने और इम्प्रूव होना है। नेगेटिव वैल्यू की एग्जिस्टेंस मीन्स सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, यही कहते थे ना हम प्रीवियस अगर प्रॉब्लम्स जब जो अभी तक हमने सॉल्व किया आज तक, यही मतलब होता। अब आपका नेगेटिव आने का मतलब है ये फंक्शन फर्दर इम्प्रूव हो सकता है, जी की इम्प्रूवमेंट हो सकती है क्योंकि ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन देखने में क्या आएगा, जहां डीजेनरेसी है ये सिर्फ उस केस में आएगा कि आपका ये देखिए अभी भी देख ले, ये शो कर रहा था कि ये 18 इम्प्रूव कर सकता है, नेगेटिव है ना, ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन जब हमने आगे किया वो ऑप्टिमल आ गया, लेकिन 18 का 18 ही रहा। लेकिन मैं वो केस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अगर ये आइट्रेशन में आगे जाके फिर नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाए, ये 18 रहे, फिर आगे जाए नेगेटिव रहे 18 जाए, तो ऐसा डीजेनरेसी वाली प्रॉब्लम में हो सकता है कि आपका ना तो ऑप्टिमलिटी अचीव होगी और ना ही आपका जी इंप्रूव होगा। होता ये जाएगा, आप प्रॉब्लम को स्टॉप इसलिए नहीं कर सकते कि ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हो रही, नेगेटिव आता जाएगा, आप करते जाओगे और आपको ये कैसे पता चलेगा कि जी आप कहीं सर्कलिंग और साइकिलिंग में फंस गए हैं, कोई बताएगा? सर जब जी चेंज नहीं हो रहा होगा, हाँ जब जी चेंज नहीं हो रहा और आपका ऑप्टिमेलिटी पे अगली आइट्रेशंस पे आपको लगाए जा रहा है और नेगेटिव कोएफिशिएंट आता जा रहा है, तो इट मींस आपको पता चल जाएगा कि ये अब साइकिलिंग वाला केस है। तो इस केस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें क्लियर हो गया पॉइंट, साइकिलिंग और सर्कलिंग का पता चल गया जी, बताइएगा प्लीज। अच्छा yes. अब इसमें ये कि ऐसे मेथड्स हैं जो इस को इलिमिनेट कर दें, इस प्रॉब्लम को, ये जो साइकिलिंग वाले को, साइकिलिंग को रोक। देखें आपने तो एल्गोरिथम बनाया, जब तक स्टॉप नहीं होगा तो आप आंसर नहीं लोगे, ये अगर आपने एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया है तो इन्फिनिट लूप नहीं लग जाएगा, ये तो आपको आंसर ही नहीं देगा। तो ऐसे मेथड्स हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम इसको इलिमिनेट करके उस प्रॉब्लम को स्टॉप करवा सकते हैं, लेकिन वो आपके इस पूरे एल्गोरिथम को बहुत स्लो डाउन कर देंगे। तो एक तो मेथड ये है कि उनसे हेल्प लें कि जी इसको स्टॉप करें, और उस
इनएफिशिएंट एल्गोरिथम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और एक मेथड ये है कि क्या हमें ऐसा करने की जरूरत है या नहीं, एक्चुअली ऐसी सिचुएशन कितने चांसेस है उसके आने के। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों का है कि ये सिचुएशन बहुत ही रेयर होती है। तो इसलिए जैसे आप एल्गोरिथम बनाया हुआ है, देखिए मैंने एल्गोरिथम बनाया है सिंपलेक्स मेथड को, फर्ज करें मैंने कंप्यूटराइज किया हुआ है, उसमें साइक्लिंग आ जाती है, मेरा एल्गोरिथम क्या करेगा बताएं? मैंने तो इसको हैंडल नहीं किया हुआ, तो मेरा एल्गोरिथम क्या करेगा? मेरा एल्गोरिथम तो इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, तो मैं कंप्रोमाइज करूंगा, तो मैं उसको हैंडल करूंगा। तो देखें मेरे एक्चुअल जो सीधा साधा जो सिंपलेक्स मेथड है वो भी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने एल्गोरिथम तो एक ही बनाना है। देखिए माइंड में रखिए एक्सक्यूज मी, सिंपलेक्स मेथड आपका एक ही होगा जिसको आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया वो सिंपल प्रॉब्लम में आंसर देके स्टॉप कर जाएगा, लेकिन अगर स्पेशल केस आएगा तो उसी एल्गोरिथम ने उस स्पेशल केस को टैकल करना है। तो आप मुझे ये बताएं, मैं इस साइक्लिंग से बचने के लिए अब जो एल्गोरिथम को मॉडिफाई करूंगा वो मेरे सिंपल केस के प्रॉब्लम्स को कितना कॉम्प्लेक्स इनएफिशिएंट बना देगा। तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए मुझे अपने पूरे एल्गोरिथम को स्लो डाउन नहीं करना, इनएफिशिएंट नहीं बनाना। क्यों? अगर मैंने उसको इनएफिशिएंट बना लिया, इधर से वॉइस म्यूटिंग चल रही है बेटा, स्टॉप नहीं करने इसको। अच्छा, ये घर से ऑनलाइन क्लासेस है तो इस तरह होता रहेगा। तो भी वो छोटा बेटा था वो मोबाइल को ऑफ करने लगा। तो ये बात सुनिए, अभी मैं बात ये कर रहा हूँ, आपने सिंपलेक्स मेथड लिया, उसमें आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, और सॉल्व करने के बाद आपने, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने उसको मेजॉरिटी में, ये केस तो बहुत रेयर है, मेजॉरिटी में तो मुझे फेस वही करना पड़ेगा ना जो मेरे एक्चुअल मॉडल्स हैं उनको सॉल्व करना। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उसको इस प्रॉब्लम को हैंडल किए बगैर सॉल्व कर लूं, और अगर कभी इस तरह का केस आता है तो ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिट लूप लग जाएगा, लेकिन देखने में आया कि ऐसा केस बहुत कम एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं इसको हैंडल करने पर लग जाऊं तो मैं अपने जो फर्ज करें 0.001% चांस है इस साइकिलिंग के आने का, और मैं 99 point something वो वाले प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए मैं एल्गोरिथम को इतना कॉम्प्लेक्स कर दूं कि वो भी स्लो डाउन हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा यानी बेनिफिशियल होगा कि मैं इसको हैंडल ही ना करूं। तो नॉर्मली लोगों ने इसी तरह किया है, ये मैंने इसको इधर ऐड कर दिया है। तो आपको, क्योंकि ये बहुत रेयर है इसकी अक्रेंस प्रैक्टिस में, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है एल्गोरिथम, क्योंकि साइक्लिंग आपकी स्लो डाउन कर देती है कंप्यूटेशन को। इस पॉइंट की समझ आई है या नहीं बताइएगा। जी बताइएगा प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? मैंने ये कहा है कि आप ये जो साइक्लिंग अगर एग्जिस्ट करती है किसी प्रॉब्लम में, मैंने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है सिंपलेक्स मेथड का, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उसमें जो भी स्पेशल केस आ जाए उनको भी हैंडल कर रहा है, और जो स्पेशल केस नहीं है उनको भी हैंडल कर रहा है। ये मेरी एक ऑप्शन जो इधर है, इसको साइक्लिंग से बचाने के लिए अगर मुझे पूरे का पूरा एल्गोरिथम मॉडिफाई करना पड़ेगा, सारा कंप्यूटर कोड, वो तो मैं मॉडिफाई कर लूंगा कि जैसी इस तरह की सिचुएशन आती है कि ये जो जी इंप्रूव नहीं कर रहा और ऑप्टिमेलिटी भी नहीं आ रही, तो बाई फोर्स टर्मिनेट करें, या मैंने उसको कुछ उसकी हैंडलिंग उसकी कंप्यूटेशन में कुछ ना कुछ तो कोई मैं मेजर्स लूंगा ना, तो वो मेजर्स लेने में मेरा पूरा एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा, इनएफिशिएंट बन जाएगा। तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिचुएशन कितनी आ सकती है, ये साइक्लिंग वाली डीजनरेसी में साइक्लिंग वाली। तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये बहुत रेयर चांस है, इसका एग्जिस्ट जरूर करती है, बहुत रेयर चांस है। अगर एक चीज का रेयर चांस हो तो क्यों ना मैं इसको, इस ऑप्शन को कंप्यूटर एल्गोरिथम में इग्नोर कर दूं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ये केस आया तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा, मेरा प्रोग्राम इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, और
अगर मैं इस इन्फिनिट लूप में फंसने से बचाना चाहता हूँ तो मुझे कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है, मुझे अब इसको एडजस्ट करने के लिए जो एल्गोरिथम को मॉडिफाई किया उसकी वजह से 99% जो प्रॉब्लम्स हैं जो डेली लाइफ में आ रहे होते हैं सिंपलेक्स मेथड में वो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता था, लेकिन इस एडजस्टमेंट से वो स्लो हो जाएंगे, उसका रिस्पॉन्स स्लो मिलेगा। तो आप बताएं बेस्ट क्या होगा, क्या मुझे इस 0.1% को टैकल करना है या 99.99 को टैकल करना है? तो मुझे 99.99 वाले प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए, मुझे सिंपलेक्स मेथड अपना वही रखना चाहिए सिंपल सा जो एफिशिएंट वे में मुझे आंसर दे देता है। जहां तक इसका ताल्लुक है इसको एडजस्ट करूंगा तो दूसरे प्रॉब्लम भी, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड का एल्गोरिथम एक ही है उसी के जरिए मैंने सारे सबको सॉल्व करना है, इसको एडजस्ट करूंगा तो वो सिंपल प्रॉब्लम भी स्लो हो जाएंगे। अब बताएं पॉइंट को फॉलो किए? यस सर। तो नॉर्मली होता है ये है कि साइकिलिंग और सर्कलिंग को जो एल्गोरिथम्स आपको मिलेंगे इंटरनेट पे सिंपलेक्स मेथड के, उन्होंने इसको हैंडल नहीं किया हुआ, क्यों? वो चाह रहे हैं कि अपने सिस्टम को स्लो ना करें। तो एक 0.1% चांस है एक का, और उसको एडजस्ट करने के लिए वो 99.9% जो प्रॉब्लम्स है तो वो ऐसी है जैसे हर दफा उसको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, आपके आम से प्रॉब्लम को भी इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा कि साइकिलिंग रेजिस्ट कर रही है या नहीं। 99% प्रॉब्लम में साइकिलिंग है ही नहीं तो उसको एक एक्स्ट्रा टेस्ट पे क्यों लगा? आई थिंक अब आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी बताइए। अच्छा अब आप जरा इसको अगर समराइज में कर दूं प्रॉब्लम को, कोई बताने में काफी टाइम लगा लेकिन कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो ये थी कि आपने ये प्रॉब्लम लिया, सॉल्व करना शुरू किया सिंपल मेथड्स, ये तो फर्स्ट आइटरेशन में आ गया, फर्स्ट करें दूसरी तीसरी आइटरेशन में रेशो सेम आ गई, आपको पता चल जाना चाहिए कि डीजेनरेसी इसमें एक कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है। खैर आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो अगली आइटरेशन में एक बेसिक वेरिएबल जीरो हो जाएगा, ये भी एक इंडिकेशन मिलेगी, और अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल है जी इम्प्रूव ना करे। तो जब जी इम्प्रूव ना करे मेरा क्वेश्चन था रोक देना चाहिए या नहीं, तो अभी भी ये कि रोकना नहीं है, ये टेम्पोरेरीली भी हो सकता है और ये डीजेनरेसी रिमूव हो जाएगी अगली आइटरेशन में, तो आपको ये जी इम्प्रूव करना भी शुरू कर सकता है। तो इसका मतलब है आपने बस इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है एंड तक, बॉटम लाइन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। और अगर कहीं एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया, अगर कहीं ये सॉल्व ही ना हो रहा हो, पॉसिबल है कि जी ये ऑप्टिमल नहीं है, आप अगली आइटरेशन दी जी वही रहा, ऑप्टिमल नहीं है अगली आइटरेशन और वो रुक ही नहीं रहा, तो माइंड में रखें आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं है, डीजेनरेसी पहले आइडेंटिफाई हो चुकी है और आप पढ़ चुकी हैं डीजेनरेसी में कि ऐसा हो सकता है, तो आप समझ लें आपके प्रॉब्लम में साइकिलिंग और रीसर्क और सर्कलिंग आ चुकी है और आप उसको मैनुअली तो कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उसको भी बाय फोर्स ही स्टॉप करना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो बड़ी सिंपल सी बात थी और कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि आपने जब भी ये प्रॉब्लम दिया जाएगा आपने नॉर्मल वे में सॉल्व करने, सॉल्व करके एंड तक लेके जाने, अगर साइकिलिंग आ जाए वो भी आपको ये रेशो से पता चल जाएगा, आप उसको बाय फोर्स कहीं भी छोड़ स्टॉप कर सकते हैं, अगर साइकिलिंग नहीं आती तो जाहिर है कहीं ना कहीं स्टॉप होगा, ऑप्टिमल आएगा तो आप रुकोगे, लेकिन आपको इस ऐसे प्रॉब्लम में आंसर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जरूर मेंशन करना पड़ेगा ये डीजेनरेसी वाला स्पेशल केस है, क्यों? आपसे पूछे ये, आपसे पूछने का मकसद ही यही होगा और आपने ये भी बताना है ये डीजेनरेसी है और डीजेनरेसी में बताना भी है कि इसमें कोई एक कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है, आपका जो मॉडल है उसमें इररेगुलरिटी है, वो प्योर मॉडल नहीं है, बनाते हुए कुछ उसमें खामी रह गई है, खामी ये नहीं कि वो प्रॉब्लम मॉडल नहीं हुआ, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट आ गई है जिसने सॉल्यूशन पे तो कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन ये कि
ऐसी है जैसे एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट के साथ आप ऐसी जा रहे हैं, जरूरत नहीं थी उसकी। आई थिंक अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने ये पॉइंट। जी यस सर, इसको वाइंड अप कर दें। अगर मैं दो तीन क्वेश्चन अगले क्लास में करना चाहूं तो आपको पता होनी चाहिए। मेरे क्वेश्चन यही होगा कि डिजेनरेसी क्या है, कैसे आइडेंटिफाई होती है, आपने बताना है। और मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन करना है, क्या इस प्रॉब्लम को रस्ते में ही छोड़ देना चाहिए या कंप्लीट सॉल्व करना चाहिए। आपका आंसर होगा कुछ तो आप खुद सोचिएगा। फिर इसमें साइकिलिंग आ जाए तो क्या करना है, अगर साइकिलिंग नहीं आई तो फिर कैसे सॉल्व करना है, और जब डिजेनरेसी आ जाती है और परमानेंट डिजेनरेसी है तो क्या दरमियान में ही इसको छोड़ सकते हैं या नहीं, अगर टेम्पोररी डिजेनरेट है तो कहाँ पे। ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये रिकॉर्डिंग में ये आ चुका होगा, ये लाइंस भी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, बाद में मैं इसको यूट्यूब वाले में अच्छी तरह एड्रेस करूंगा, वो भी मिल जाएगा आपको स्लाइड की फॉर्म में। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि चार केसेस हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्सक्यूज मी अगले प्रॉब्लम का भी हम कर लेते हैं। आपको रेहन बुला रहे, नहीं अभी 10 मिनट्स लगे, नहीं फिर आप लैपटॉप ले लेना, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। अभी आप तो बोर्ड चल चल अभी नहीं। अच्छा 11 क्लास ओके स्टॉप। अच्छा स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं। डिजेनरेसी हम एड्रेस कर चुके हैं, नेक्स्ट केस है अल्टरनेटिव ऑप्टिम। आपकी क्लास शुरू होगी बेटा। जी स्टूडेंट्स, ये नजर आ रहा है आपको, सरफराज बताइए ये क्या लिखा हुआ है, सरफराज को उठाते हैं। जी सर, ये क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। जी तो सेकंड केस, इसका मतलब दूसरे लोग भी मेरे साथ हैं। अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, मेरे पास मिनट्स हैं 8, अटेंडेंस आपकी इधर तो नहीं लग सकती, जाहिर है वो रिपोर्ट से मैं ले लूंगा, तो मैं मूडल पे शेयर कर दिया करूंगा ताकि जो एब्सेंट है उनको पता चल जाए। अल्टरनेटिव ऑप्टिमा जरा देखें, पूरा तो नहीं सॉल्व होगा लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जरा इधर गौर कीजिएगा, पहले पहले ये टेबल से देख लेते हैं, ग्राफ को जरा बताना जरा मुश्किल होगा, वो अगले लेक्चर में देखें। ये मॉडल है, दोनों का स्टेट्स कौन सी हैं, लेस देन इक्वल टू, आपने सॉल्व करना शुरू किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए और बाद में टेबल में प्लेस कर दिया, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जी बताइएगा, कोई इश्यू तो नहीं इसको टेबल में प्लेस करना? नो सर। अच्छा अब आप देखें अल्टरनेटिव ऑप्टिमा होता क्या है, हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव मींस मोस्ट नेगेटिव एंट्री रेशो, इस 5 को डिवाइड करेंगे 2 से 2.5, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से 4, और इसमें मिनिमम रेशियो होगी 2.5। इट मींस क्या लीव करेगा बताइएगा प्लीज, कौन सा वेरिएबल लीव करेगा? S1 वाला सर। S1 एंटर कौन सा वेरिएबल हो रहा है? X2। तो X2 ने जगह लेनी है S1 की, तो S1 की जगह पे X2 आ गया, राइट। अब आपने कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन मैं अज्यूम करता हूं सबको आती है, फर्ज करिए हमने कैलकुलेशन कर ली, बताएं सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ चुका है या नहीं? आ चुका, आ चुका। मींस कोई भी नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं है। अब आपका सॉल्यूशन क्या है, x2 इक्वल टू 2.5, ये वाला s2 इक्वल टू 1.5, यानी आपका x1 मिसिंग है, x1 इक्वल टू 0 और x2 आपका है 2.5, क्योंकि हम डिसीजन वेरिएबल्स को लिखते हैं ना, दूसरी अमाउंट्स को तो कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते, तो एक्चुअल तो हमारे पास यही प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये देखिए आपके पास आ गया 0 और दूसरा है 2.5, तो
तो यहाँ पे आप देखें जब आपका सोल्यूशन आ जाए, एक और चीज नोट करनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने प्रॉब्लम स्टार्ट लिया था ये बेसिक वेरिएबल से, इधर कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए थी, ये मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, आइडेंटिटी। और ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके अंदर कोएफिशिएंट्स कौन से होने चाहिए थे, जीरो, जीरोस। अब माइंड में रखिएगा ये चीज मस्ट है, मैंने पहले भी कहा था, ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके कॉलम्स के अंदर इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर नहीं है तो प्रॉब्लम कहीं कैलकुलेशन में गलती है, और इनके कोएफिशिएंट्स जीरोस होने चाहिए, अगर नहीं है तो इट मींस ये गलती है, कोई कैलकुलेशन में गलती हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या दी थी, ये जो इधर नॉन बेसिक है उनके अंडर क्या होना चाहिए, जीरोस और नॉन जीरोस, नॉन जीरोस। लेकिन शायद आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर ये नॉन जीरो नहीं भी है तो ये गलती नहीं है, ये कोई स्पेशल केस को इंडिकेट कर रहा होगा, ये एक लेक्चर में बात हो गई, शायद असद से इंटरेक्ट कर रहा था मैं। तो बात कहने का मतलब ये है, फिर सुन ले दोबारा से, मैं याद करवाना चाह रहा हूं, ये है बेसिक वेरिएबल्स, इनके अंडर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट है ये वाली, और इसके कोएफिशिएंट जीरोस जीरोस होने चाहिए, ये भी मस्ट है। जहां तक बात है नॉन बेसिक वेरिएबल मिसिंग, इधर मिसिंग है एक्स वन एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू के अंडर नॉन जीरो या जीरो कोई कंडीशन नहीं है नॉर्मली। अगर तो ये नॉन जीरो है तो समझ लें ये स्पेशल केस नहीं है, एक नॉर्मल केस है, और अगर इनमें से कोई एक जीरो है तो समझ लें ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का केस है। बताइएगा ये पॉइंट याद हुआ या नहीं आपको, जी क्लियर हुआ पॉइंट, अभी मैंने सिर्फ बताया है। अभी देखें ये आपका इधर आ गया ऑप्टिमल, देखें सारे कोएफिशिएंट्स को नेगेटिव तो नहीं है ना, तो ऑप्टिमम अचीव हो गया। अब मैं वही देखने x2 और s2 के अंडर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी x2, ये x2 है, आइडेंटिटी स्कैटर्ड है, और s2 ये है, इन दोनों को मिला के देखें, ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, बताइए। है सर, है, क्योंकि ये सब ये सेपरेट है, x2 पहले है तो ये 1 0, s2 बाद में है तो ये 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरी बात, इसके कोएफिशिएंट्स इन दोनों के z में जीरोस होने चाहिए, मस्ट है, x2 का कोएफिशिएंट 0, यस, s2 0, यस, इट मींस कोई गलती नहीं। दूसरा, नॉन बेसिक कौन से, नॉन बेसिक है x1 और s1, इधर देखें x1 नॉन जीरो होना चाहिए था, बताइए, नॉन जीरो होना चाहिए था ना, नॉन बेसिक की वेरिएबल्स की बात कर, जी जी, और भी आवाज आई थी, क्या पूछना चाह रहे, तो ये अल्टरनेटिव हो जाएगा फिर। हाँ, अल्टरनेटिव आप कह ले, देखिए ये जो इनके मिसिंग वेरिएबल्स हैं वो है x1 और s1, ये मिसिंग है, इनके अंदर अगर नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो फिर तो हम कहेंगे ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है, लेकिन ये नॉन जीरो की वजह से ये सिंपल केस है। तो ये s1 के अंदर देखें 2 नॉन जीरो है, ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई, इनके पॉजिटिव हो गया, x1 नॉन जीरो होना चाहिए लेकिन जीरो है, यहाँ पे स्पेशल केस की इंडिकेशन है। तो आप कह सकते हो, मैं इसको इधर लाइन के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जरा इस लाइन के अंदर देखिएगा, ये आपका वेरिएबल है x1, फर्ज करें ये x2 है, ये x3 है, मैं फोर वेरिएबल प्रॉब्लम लेता हूँ और दो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ s1 s2, और आपके इस वक्त सपोज करें कि ये वेरिएबल्स मैं उनको कलर स्कीम चेंज करने लगा हूं, इस वक्त करंट बेसिक मैं सपोज कर लेता हूं वो है, मैं ऐसे सपोज कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए,
फर्ज करिए ये बेसिक सॉल्यूशन, जाहिर है इनके अंडर क्या वैल्यूज होंगी बताइएगा, कोएफिशिएंट z के ये बेसिक वेरिएबल्स हैं इस वक्त करंटली, क्या होंगी? मस्ट है कि ये क्या होनी चाहिए, ये जीरो होने चाहिए, ये तो मस्ट है। सॉरी ये कलर स्कीम जी, ये तो मस्ट है क्योंकि ये बेसिक है, तो इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। दूसरों के बारे में ये जो है, ये अगर ऑप्टिमलिटी आ गई है ये इस शेप की होनी चाहिए। एक तो ये कलर स्कीम में जरा सर वो पेंट करें, हाँ खैर में जी, आपके ये नॉन बेसिक हैं, इनकी वैल्यूज अगर ऑप्टिमलिटी आ गई और मैक्सिमम है तो ये इस तरह की होनी चाहिए, राइट? ऐसे ही होनी चाहिए। ये जीरोस मतलब ये रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है कि इस वक्त बेसिक है, ये जीरोस होंगे और दूसरे क्या होने चाहिए, नॉन जीरोस, ये वाले नॉन जीरो। इसका मतलब है ये सिंपल केस है, कोई स्पेशल केस नहीं है। लेकिन अगर इन में से कोई एक ऐसे नजर आ जाए, अब देखें ये फाइनलाइजेशन की जी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, एक्स वन और एस वन बेसिक है, तो फाइनल में आपने देखा ये जीरो बिल्कुल ठीक, और आपका ऑप्टिमल आ चुका है क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई, ऑप्टिमल है बिल्कुल, स्टॉप कर दिया आपने। स्टॉप करने के बाद एक चीज देखनी है कि ये जो सारे वेरिएबल्स हैं जो नॉन बेसिक हैं, इनमें कोई जीरो तो नहीं है, तो पता चला ये एक जीरो है, तो इट मीन्स ये इंडिकेशन है कि ये जो अभी आपके पास आंसर आया हुआ है ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का है, इसको फर्दर आगे देखा जा सकता है। अब बताएं क्लियर होगा पॉइंट, क्लियर हुआ इंडिकेशन? यस सर। तो इस इंडिकेशन में इधर देखिएगा, ये आपका, अच्छा चले मैं आगे भी बता दूं, इस केस में फर्ज करें हमारा z आ गया 120, ये 120। ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा का केस पता क्या है, आपका एंट्रिंग वेरिएबल कौन सा होता था, ये तो बेसिक वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट है, ये तो नहीं, नॉन बेसिक में नेगेटिव एंट्रिंग होता था ना आपका, बताइएगा वही होता था ना एंट्रिंग जो नॉन बेसिक होता था, वो तो सारे पॉजिटिव है, तो आप अभी भी ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा होता है कि इसी प्रॉफिट पे एक नया सोल्यूशन आपको मिल सकता है। ये जो जीरो है जिसकी वजह से इंडिकेशन मिली है कि जी ये ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा केस है, इसको एंट्रिंग वेरिएबल बना के फर्दर एक और सोल्यूशन कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये एक नई बात थी, यानी आपको ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अब कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं है जिसको हम एंट्रिंग बना सके, तो अगली कैलकुलेशन तो जा ही नहीं सकती, लेकिन अगर किसी नॉन बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो हुआ तो उसको एंट्रिंग बना के एक फर्दर और सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने इसको जब एंट्रिंग बनाया तो इसने नया सोल्यूशन दे दिया जिसमें जी चेंज नहीं हुई। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप